तो भाई फूजी फिल्म बॉम्ब्स गिराना शुरू करने वाला है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट जो भी नए रिलीजेज़ हैं बहुत क्रेजी होने वाले हैं और अगर जो रूमर्ड स्पेक्स हैं वो सच हुए तो भाई मार्केट हिलने वाली है मतलब बहुत कुछ चेंज हो सकता है यहाँ से तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आगे वीडियो में चलते हैं हाई एवरी वन माई नेम इज़ गिल एंड द चैनल यू आर ऑन इज वज एंड ड्रम अब देखिए वेलकम uh, करता हूँ आपका नए स्टूडियो में uh, ये यहाँ पे मैं शिफ्ट ऑलमोस्ट तीन महीने पहले हो गया था बट मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया बीच में बहुत कुछ हुआ उसके बारे में कभी और बात करेंगे आगे की बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में ये वीडियो है अब देखिए जो रूमर्स हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कन्फर्म हो गई हैं बाय फूजी फिल्म तो वो चीज़ें हमें मिलेंगी मिलेंगी और उनमें से कुछ फ़ीचर्स बहुत बहुत अमेजिंग होने वाले हैं बहुत मज़ा आएगा उन फीचर्स को यूज़ करने में एंड दैट इज़ वाई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कैमरा और अगर हैंड्स ऑन करने को मिला तो ज़रूर मैं एक रिव्यू बनाऊंगा इस कैमरा पे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी फूजी रूमर्स ने बताई हैं वो स्टिल रूमर्स हैं उनके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है बट अगर वो सच हो गई तो भाई फिर तो कमाल ही हो जाएगा मतलब ये कैमराज बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं और अभी रिसेंटली कुछ लीग्ड इमेजेस भी आई हैं इन कैमरास की जिनसे हमें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हमको क्या मिलने वाला है इवन दो इवेंट आने ही वाला है आई गेस विद इन वन वीक इवेंट आ जाएगा आई गेस चार पाँच दिन बाद ही है बट लेट्स जस्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट अ वीडियो आउट देट जिसमें मैं जितने भी मेरे को एग्जिस्टिंग नॉलेज है मैं वो बता सकूँ इस कैमरा के बारे में अब देखिए थोड़ी सी ऐसी चीज़ों की बात पहले कर लेते हैं जो कि पक्का कन्फर्म है कि हाँ भाई फूजी फिल्म ये तो दे ही रहा है पहली चीज़ ये कि आपके दो कैमराज आने वाले हैं फूजी फिल्म एक्स एच टू और एक्स एच टू एस जो एक्स एच टू होगा उसमें आपके पास सेंसर होगा फोर्टी मेगा पिक्सल का और जो एक्स एच टू एस होगा उसमें आपके पास सेंसर होगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन मेगा पिक्सल आई गई मतलब छब्बीस मेगा पिक्सल के आसपास का सेंसर होगा एक्स एच टू एस का अब देखिए उम्मीद ये करी जा रही है कि दोनों ही जो सेंसर्स होंगे वो बी एस आई स्टैक्ट सेंसर्स होंगे देखिए अगर दोनों में मिल गए तो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी ये एक्स एच टू में डेफ़िनेटली हमको स्टैक सेंसर मिल रहा है क्योंकि वो एक हाई एंड कैमरा होने वाले है एट के वगैरह भी शूट कर सकते हो आप उसमें बट हमको uh, क्या कहते हैं एक्स एच टू एस में स्टैक uh, सेंसर मिले ना मिले इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है हमारे पास तो आई एम होपिंग कि एक्स एच टू एस में भी हो स्टैक सेंसर क्योंकि अगर उसमें भी हुआ तो मार्केट खा सकती है फूजी फिल्म बहुत आराम से देर इज़ नो अदर कैमरा इन दिस रेंज जो कि स्टैक सेंसर देता हो तो दैट दैट वुड बी ए अमेजिंग थिंग इफ़ स्टैट सेंसर मिल जाता है हमको तो uh, इतनी ज़्यादा मैं स्टैट सेंसर की बात कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि स्टैट सेंसर इत, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बेसिकली स्टैट सेंसर कैमरा के लिए हर एक हाई एंड वाला काम आसान कर देता है चाहे वो बहुत ही अमेजिंग ऑटो फोकस हो चाहे वो हो कि अगर आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पे शूट करना है सिक्स के एट के तो उस केसेस में कैमरा के लिए बहुत इजी हो जाता है स्टैक सेंसर पे शूट करना चाहे आपको बहुत ही फ़ास्ट मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर तगड़ा चाहिए या आपको स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी करनी है इनफैक्ट अगर उस पर कोई रोलिंग शटर भी नहीं होता स्टैक सेंसर्स में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारे फास्ट कार्ड्स जो होते हैं वो स्टैक सेंसर के केस में बहुत ईज़िली सपोर्टेड होते हैं दैट इज़ वाई स्टैट सेंसर बहुत ही अमेजिंग चीज़ है एंड uh, जैसे जितने भी सोनी ए वन कैमरा है कैन आर थ्री है निकॉन जी नाइन है जितने भी फ्लैगशिप्स हैं इन सारी कंपनीज के इनमें स्टैट सेंसर्स आने लग गए हैं एंड दैट इज़ वाई एवरी प्रो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर इज़ ट्राइंग टू गो फॉर अ स्टैट सेंसर मतलब जो प्रो वाले होते हैं ना तगड़े वाले लोग वो सब उन सब उन सब सेंसर uh, वाले कैमराज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आपको एडवांटेजेस ही इतने तगड़े मिलते हैं स्टैक सेंसर के अब देखिए जैसा कि कंफर्म है कि एक्स एच टू में हमको डेफिनेटली फोर्टी मेगापिक्सल का सेंसर स्टैक सेंसर मिलेगा एंड ड्यू टू विच इट वुड बी एबल टू रिकॉर्ड इन एट के ऑल्सो बट इस वीडियो में अभी हम बात करते हैं एक्स एच टू एस की क्योंकि जो अभी वाला इवेंट है उसमें मोस्ट लाइकली आपको एक्स एच टू एस ही मिलने वाला है दैट इज़ द बेसिकली अफोर्डेबल वर्जन एक्स एच टू का तो वो पहले लॉन्च होगा तो अभी उसकी बात करते हैं देखिए फूजी फिल्म एक्सेस टू एस की बात करें तो इसमें डेफिनेटली ट्वेंटी सिक्स मेगा पिक्सल का सेंसर हमको मिल रहा है विच माइट और माइट नॉट बी स्टैग बट डेफिनेटली हमको इसमें सिक्स के तक की रिकॉर्डिंग मिल रही है विच इज़ बिग ऑफकोर्स इट इज़ बिग सिक्स के पे हमको अराउंड आई गेस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी एफ पी एस तक का ही रिकॉर्ड वो मिलेगा हमको सपोर्ट एंड ओबियसली इस ऊपर तो जा भी नहीं सकते अकॉर्डिंग टू मी इस कैमरा बॉडी में एट दिस टाइम बट सिक्स के अप टू थर्टी एफ पी एस मिलेगा हमको एंड यू नेवर नो मे बी हमको सिक्स के रॉ रिकॉर्डिंग भी मिल जाए इंटरनली इंटरनली तो खैर बहुत मुश्किल है बट एक्सटर्नली डेफिनेटली हमको मिलेगी इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि हमको फोर के वन ट्वेंटी मिलने वाला है विच इज़ गी अमेजिंग लाइक यही खास बात है फूजी फिल्म और उनके ए पी एस सी कैमराज की दे आर कीपिंग ए पी एस सी अलाइफ़ एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एनी रीज़न वाई यू वुड वॉन्ट टू गो फॉर फुल फ्रेम जबकि वो सारी चीज़ें एक ए पी एस सी कैमरा पर भी करी जा सकती हैं मतलब आप ये कंसिडर करिए कि आपका बाकी चीज़ों में कॉस्ट कितना बचता है अगर फोर के वन ट्वेंटी अगर आपको इसमें मिल जाता है फूजी फिल्म के ए पी एस सी कैमराज में एट टेन बिट और अच्छे बिट रेट्स पर सब कुछ बढ़िया फुटेज निकलेगा उसमें से और आई मीन यू कैन डेफिनेटली मेक सम अमेजिंग कॉन्टेंट विद डट और अभी तक के फोर के वन ट्वेंटी एफ पी एस की जितने भी कैमराज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो अपने फ्लैगशिप्स जो हैं वो सोनी uh, जैसी कंपनीज वो अपने फ्लैगशिप्स फुल फ्रेम में ही बना रहे हैं तो देर नॉट वर्किंग दैट मच ऑन ए पी एस सी साइड एंड आई रियली अप्रिशिएट फूजी फिल्म गोइंग दिस फार फॉर देर ए पी एस सी लाइनअप एंड आई थिंक आई एम गो नोट कॉन्टिन्यू यूजिंग फूजी फिल्म फॉर क्वाइट सॉरी यार थोड़ा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ जब भी फोर फिल्म की बात होती है अब देखिए जो इसमें आपको फोर के या सिक्सटी एफ तक का जो कोडेक्स होंगे उनमें ऑब्वियसली आपको जो रीड आउट होगा वो फुल सेंसर रीड आउट मिलेगा जिसका मतलब ये है कि जो सिक्स के सेंसर है उसमें से आपको फोर के फुटेज मिलेगा अपस्केल्ड वीडियो होगी वो एंड इट वुड बी हाईली डिटेल्ड बहुत क्रिस्प और बहुत प्यारा फुटेज निकलेगा उसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल होगी इट वुट बी सॉफ्ट एट ऑल एक तो चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये कि 4K 120 FPS में हमको फुल सेंसर रीड आउट मिलेगा या नहीं दैट वी डोंट नो फॉर श्योर मिल जाए तो मजा आ जाए मतलब मज़ा आ जाएगा लिटरली 4K 120 FPS एट फुल सेंसर रीड आउट सिक्स से वो 4K 120 बनेगा बहुत क्रेजी हो जाएगा बट उस केस में दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं जैसे कि ओवर हीटिंग इशूज़ एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर फूजी फिल्म टू एड्रेस दोज इशूज़ इन अ बॉडी लाइक दैट क्योंकि बॉडी भी अब हमको देखी गई है कैमरा बॉडी उसमें लीक इमेज़ में तो फोर के वन ट्वेंटी इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू पुल ऑफ बट लेट्स सी लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट आगे और फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो इसमें फूजी रूमर्स के अकॉर्डिंग आपको एक्स एच टू एस में सी एफ एक्सप्रेस कार्ड्स का सपोर्ट भी मिलने वाला है और यही रीज़न है कि लोगों को लग रहा है कि इसमें मोस्ट लाइकली उनको स्टार्ट सेंसर मिल जाए दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स अब हो सकता है कि फूजी फिल्म अपनी इस लाइनअप के साथ वो वही करना चाह रहा हो जो कैनन ने किया है आर फाइव और आर सिक्स के साथ दे वॉन्ट टू गिव अ वेरी नाइस वीडियो सेंट्रिक कैमरा एक बहुत ही सही वीडियो सेंटर कैमरा और उसके साथ साथ वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं एक ऐसा कैमरा जो कि फ़ोटो और वीडियो स्पेक्स दोनों में ही कम्प्लीटली हाई एंड है जस्ट लाइक सोनी ए वन और नाइकॉन जी नाइन इस टाइप का कैमरा एक होगा और एक वीडियो सेंटर एक तगड़ा कैमरा होगा अब देखिए इनकी लीक्ड इमेजेस पे हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको कुछ कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं कैमराज के बारे में और जो लीग्ड इमेजेस जो ओवरऑल जो बॉडी का वाइब दे रहे हैं वो जी टाइप लग रही है इनकी जो जी लाइनअप है उस टाइप के कैमराज ये लग रहे हैं थोड़े से चंकी लग रहे हैं कैमराज कम्पेयर टू तो देयर एपीएससी लाइनअप जो पिछले कैमराज आए हैं दैट इज़ राइट गिविंग जी एफ एक्स फाइव साइड में देखें तो काफ़ी सारे पोर्ट्स का सपोर्ट हमको मिलने वाला है डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग बटन्स हमको इसमें मिलने वाले हैं और फूजी uh, फिल्म जो है वो इसके लिए दो अलग बैटरीज भी लॉन्च करने वाला है इन कैमराज के लिए तो दैट इज़ दैट दैट इज़ वॉट वी गेट फ्राम द लीड इमेज़ आई थिंक दैट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट दीज कैमराज अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताना आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लॉन्च बिकॉज आई एम अ फूजी यूज़र एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि फूजी का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मैं एक्सटी फोर से इतना खुश हूँ कि हो सकता है मैं फ्यूचर में क्योंकि मेरे पास लेंसेज भी होने वाले हैं इनके ए पी एस सी वाले तो इट वुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल परचेज़ फॉर मी अगर मैं आगे जाके एक्स एच टू एस या एक्स एच टू लेता हूँ तो बट वो फ्यूचर की बात है अभी तो कुछ नहीं कह सकते आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि कैमराज में इंटरेस्टेड हैं फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हैं मैं सिनेमैटिक वीडियोज भी डालने वाला हूँ जल्दी तो येस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट में बताओ मेरे को आपको क्या लगता है एक्स एच टू में इससे क्या चीज़ें सही होने वाली हैं रूमर्स में से और क्या नहीं होने वाली एंड आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी काइंड कीप ग्राइंडिंग बो बाय